क्या आपको आणविक कक्षक सिद्धांत की थ्योरीज याद करने में प्रॉब्लम होती है? हाँ। क्या आपको परमाणु का विन्यास लिखने आता है लेकिन अणुओं का विन्यास आप नहीं लिख पाते हो? हाँ भाई हाँ। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आणविक कक्षक सिद्धांत से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आणविक कक्षक सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को लिखिए, उनकी थ्योरी को लिखिए। आज के इस वीडियो दोस्तों हमको बिना रटे थ्योरी समझा देंगे, हम याद भी करा देंगे। इस वीडियो में ही आपको ये थ्योरी याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको थ्योरी को समझाएंगे और ऐसे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको वो थ्योरी अभी ही इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। और थ्योरी को समझने के बाद मेन जो हमारा पॉइंट है अणुओं का, वो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे। और इस ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में क्लास 11th में डायरेक्ट आ जाता है कि इन अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जोड़ दीजिएगा, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं विद स्मॉल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम समझते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। ये क्या, ये सिद्धांत इतना बड़ा, अरे हमसे तो ज्ञात नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बस बिना ध्यान भटकाए 5 मिनट आप स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो के जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, उसी से दोस्तों आपको ये आणविक कक्षक का जो सिद्धांत है वो याद हो जाएगा। अभी दोस्तों ये मान लीजिए कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ओके, हमने दोस्तों बड़ा नाम क्या लिखा है, आणविक कक्षक। ये क्या लिखा है, आणविक कक्षक। हमको बिल्कुल भी नहीं पता ये आणविक कक्षक क्या है, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर आणविक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अणु। ओके, और हमें ये पता है आणविक कक्षक भले ही नहीं पता है क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि जो ये आणविक है इसका मतलब क्या है, अणु है। और ये भी पता है ये अणु किस तरह बना, कोई भी अणु किस तरह बनता है, जब दोस्तों दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, यानी कि भाई कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से मिला होगा तब जाके ये दोस्तों अणु बना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी लॉजिक लगा रहे हैं कि किस तरह ये आणविक कक्षक क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये अभी हम लॉजिक कर रहे हैं। ओके, और लॉजिक से ही जो हम आपको बताएंगे वो सभी बिल्कुल ही 70% चीजें आपकी आणविक कक्षक सिद्धांत में बिल्कुल सेम होंगी और वो सभी चीजें आपको इसी वीडियो में 5 मिनट में याद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अणु, आणविक का मतलब क्या हुआ, अणु हुआ, अणु किससे मिलता है, परमाणुओं से मिलता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा वर्ड तो लिखा हुआ है आणविक कक्षक, यानी कि आणविक का मतलब अणु है, तो आणविक कक्षक का मतलब क्या है कि अणु के कक्षक। आणविक कक्षक का मतलब क्या है, अणु के कक्षक, ये हमें पता चल गया। ओके, लॉजिक से सब हमने पता किया, आप भी लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, तो जब अणु मिल रहा है दो परमाणुओं से, जब अणु बन रहा है दो परमाणु से, तो अणु के कक्षक किस तरह बनेंगे दोस्तों, जी हाँ, परमाणु के कक्षक से, यानी कि जब दो परमाणु के कक्षक मिलेंगे तब जाके अणु के कक्षक बनेंगे। तो दोस्तों यहां पे आपने क्या देखा कि परमाणु के कक्षक तो हमें मालूम होते हैं कि परमाणु कक्षक क्या होते हैं, ये हमें पता है, तो अणु के कक्षक क्या होंगे भाई, जिस तरह परमाणु के अपने पास कक्षक होते हैं, उनके अपने कक्षक होते हैं, उसी तरह भैया अणु के भी कक्षक होते हैं, जिसे आणविक कक्षक कहते हैं। ये पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये निकल कर आया, जिस तरह परमाणु के अपने कक्षक होते हैं उसी तरह अणु के भी अपने कक्षक होते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट निकल कर आया दोस्तों, हमने लॉजिक से निकाला है, आप भी देखे होंगे। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए परमाणु कक्षक जब मिल रहे हैं, यहां पर दो परमाणु कक्षक जब मिले तब जाके अणु के कक्षक मिल बने, तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, जब दो परमाणु के कक्षक मिलते हैं तब दोस्तों अणु के कक्षक बनते हैं। और अणु के कितने कक्षक बनेंगे भाई, परमाणु का एक कक्षक, कक्षक तो आपको मालूम है ना, इस तरह होता है कि परमाणु के अगर दो कक्षक दोस्तों यहां पर इस तरह दो कक्षक मिलेंगे, तो जो अणु के भी कक्षक कितने बनेंगे भाई, एक इधर का और एक इधर का, यानी कि जितने परमाणु के कक्षक मिले उतने ही अणु के कक्षक बनेंगे। ये क्या है दोस्तों, अणु का कक्षक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि भाई जितने परमाणु के कक्षक मिलते हैं उतने अणु के कक्षक बनते हैं। जैसे यहां पर दो परमाणु के कक्षक मिले तो बने कितने अणु के कक्षक, आणविक कक्षक कितने बने, दो ही बने। ये दोस्तों दूसरा पॉइंट हमने निकाल लिया। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमने यहां पर एक चीज और देख रहे हैं कि यह भी परमाणु का कक्षक है। यह क्या है, परमाणु का कक्षक है, और यह भी परमाणु का कक्षक है, तो इनकी ऊर्जाएं क्या होंगी दोस्तों, समान होंगी। इनकी जो ऊर्जा होगी दोस्तों वो क्या होगी, समान होगी इनकी, क्योंकि भाई ये भी परमाणु कक्षक है, ये भी परमाणु का कक्षक है, दोनों बिल्कुल ही बराबर है, एक ही जैसे, तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। तो इस तरह हम लिख सकते तीसरा पॉइंट में कि जो अणु आणविक कक्षक है या अणु के कक्षक है वो समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले परमाणु के कक्षक से या परमाणु के कक्षक से मिलकर बनते हैं। दोस्तों देखा आपने, बस हमने लॉजिक से यहाँ पर 3 पॉइंट निकालने हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। हमें कुछ भी नहीं पता कि ये आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, फिर भी दोस्तों हमने 3 पॉइंट लंबे लंबे निकाल लिए दोस्तों,
केवल एक छोटे से लॉजिक से। तो दोस्तों आप भी दोस्तों इस तरह लॉजिक से आप बिना याद करे आप आणविक कक्षक से ये सिद्धांत निकाल कर खुद से एग्जाम में लिख सकते हो। और सेम टू सेम टी इसके सिद्धांत में जो हमने लॉजिक निकाला वही चीज यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए दोस्तों आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या है कि सबसे पहले तो आप इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा या इसके लक्षण या इसके मुख्य बिंदु ये सभी चीजें शुरुआत कर सकते हो, उससे पहले लिख सकते हो कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया था। तो लिख दोगे यहाँ पर कि एक ये सिद्धांत हुंड तथा आर एस मुल्किन द्वारा सन 1932 में विकसित किया गया था। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि इस सिद्धांत के लक्षण या मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला हमने क्या देखा कि पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि जिस तरह भाई परमाणु के अच्छे अपने कक्षक होते हैं उसी तरह अणु के भी अपने कक्षक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आणविक कक्षक कहते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जब परमाणु कक्षक जितने परमाणु कक्षक यहाँ पर मिल रहे थे उतने यहाँ आणविक कक्षक बन रहे थे, अणु के कक्षक बन रहे थे। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दो परमाणु कक्षक मिले तो दो अणु के कक्षक बने, तो दूसरा पॉइंट में भी यही आपको जस्ट लिखना है कि जितने परमाणु के कक्षक मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, और जब दो परमाणु के कक्षक मिले तो वहां पर दो आणविक कक्षक बनेंगे जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। बस एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये हम आपको लॉजिक से नहीं बता सकते थे, ये आपको सिद्धांत में आपको याद करना पड़ेगा। छोटा सा पॉइंट हमने कहा था ना 70% चीजें आपको याद हो जाएंगी, केवल 30% 20% चीजें आपको थोड़ा बहुत याद करनी पड़ेंगी। ओके, बाकी सभी चीजें हम लॉजिक से आपको नहीं याद करा सकते। तो यहां पर क्या याद करना है कि भाई जब दो परमाणु के कक्षक मिले तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, हम बनेंगे जिसमें से एक जो दोस्तों बनेगा वो आबंधन आणविक कक्षक कहलाता है और दूसरा दोस्तों प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया, यानी कि जब दो परमाणु कक्षक मिले तो दो आणविक कक्षक बने जिसमें से एक को दोस्तों हमने क्या नाम दे दिया है आबंधन आणविक कक्षक, और दूसरे को क्या दे दिया है प्रति आबंधन आणविक कक्षक। बस ये दो आपको नाम याद रखने, बाकी सब चीजें दोस्तों आपको यहीं पर याद हो गई होगी। और दोस्तों यहां पर आप बता भी सकते हो कि आबंधन आणविक कक्षक एवं प्रति आबंधन आणविक कक्षक दोनों में से किसकी ऊर्जा अधिक होती है। जैसे ये तो हमें पता है कि परमाणु कक्षक जो बने मिले हैं समान ऊर्जा वाले दोस्तों परमाणु कक्षक से मिलकर बना होता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है यही आगे जो हमने तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि आणविक कक्षक तुल्य या समान ऊर्जा लिख सकते हो, यहां पर तुल्य मतलब कि बिल्कुल समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक से संयोग से बनते हैं आणविक कक्षक। ओके, ये पॉइंट तो आपको याद ही हो गया होगा, वीडियो में समझा दिया। और चौथा एक आखिरी पॉइंट अपने से ऐड कर सकते हो कि यहां पर जो आपने बताया है कि दो आणविक कक्षक बनते हैं, पहला आबंधन आणविक कक्षक दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक। ओके, इन दोनों में से किसकी ऊर्जा अधिक होती है किसकी ऊर्जा कम होती है ये आप लिख सकते हो। सर ये कैसे हम लिखेंगे, अभी तो हम याद कर लेंगे किसकी ऊर्जा अधिक होती है लेकिन कम होती है, लेकिन बाद में हम भूल जाएंगे तो आप इसकी भी ट्रिक बता दीजिए कैसे याद करें इसको कि किसकी ऊर्जा अधिक होती है इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम होती है। ओके, तो ये सिंपली ट्रिक यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है आबंधन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है प्रति आबंधन लिखा हुआ, यानी कि आबंधन जो शब्द है यहां पर छोटा है लेकिन यहां पर जब प्रति लगा दिया तो किस शब्द क्या हो गया बड़ा हो गया, यानी कि जो यहाँ पर आबंधन लिखा हुआ है वो प्रति आबंधन से छोटा है। आबंधन क्या है नाम पढ़िए, प्रति आबंधन ये केवल आबंधन है, यानी कि आबंधन प्रति आबंधन नाम के तुलना में ये छोटा है। तो यहाँ से दोस्तों यही ट्रिक हो गई आपकी कि जो प्रति आबंधन क्या है इसका नाम क्या है बड़ा है तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी दोस्तों अधिक होगी, इसका नाम क्या है छोटा है तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी कम होगी, ये ट्रिक हमने आपको बताया। ओके, लॉजिक से। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दो कि भाई प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा आबंधन आणविक कक्षक ऊर्जा से ज्यादा होती है। ये कैसे दोस्तों हमने आपको बताया है एक ट्रिक से बताया है जिससे यहां पर आप देख रहे हो प्रति आबंधन नाम बड़ा है आबंधन नाम से। ओके, तो इसलिए इसकी ऊर्जा इससे अधिक होगी। ये दोस्तों हमने आपको लॉजिक से याद कराया है, इसके पीछे ये नहीं है कि साइंटिफिक रीजन यही है कि इसका नाम देखकर बता दिया गया है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा है, उस साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया है ये। और चौथा पॉइंट तो आपको मालूम है कि जो आणविक कक्षक है वह समान ऊर्जा वाले या तुल्य ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक से संयोग से बनता है। तो दोस्तों देखा आपने यहीं पर हमने आपको 70 से लेकर 75% चीजें यहां पर आणविक कक्षक सिद्धांत के सभी हमने आपको याद करा दिए। इन सभी का नोट चाहिए तो आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाओगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इन सभी का, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। बस आप इतने पॉइंट्स लिख दोगे तो भी आपको फुल नंबर्स मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट हमने और ऐड किया है जिसे आप पढ़ सकते हो आपको समझने के लिए, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ लेते हैं क्या है ये पॉइंट, परमाणु कक्षक भी की भांति आणविक कक्षकों को भी पावली सिद्धांत तथा हुंड का नियम पालन करते हुए अबाउ नियम के अनुसार भरा जाता है। पर परमाणु कक्षक की भांति भी क्या करता है आणविक कक्षक भी पावली सिद्धांत तथा हुंड के नियम का पालन करता है। कैसे पालन करता है, जिस तरह परमाणु कक्षक में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसी तरह आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसमें जो हम नियम पालन करते हैं पॉली सिद्धांत हुंड का नियम
पालन करते हैं आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, उसी तरह आणविक कक्षक परमाणुविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, उसी तरह आणविक कक्षक में भी हम इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इस नियम का पालन करते हैं, अबाउ नियम का पालन करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। ये सभी चीजें जैसे परमाणु कक्षक हो गया, जैसे कि ये देख लीजिए आपका पी कक्षक हो गया, इसमें आपके तीन यहाँ पर कक्षक हो गए, पी उपकक्षक में यहाँ पर, पी उपकक्षक पे दोस्तों यहाँ पर तीन आपके कक्षक हो गए, आपके पास दोस्तों पांच इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आप पांच इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले आप लगाओगे यहाँ पर हुंड का नियम, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उसका युग्मन प्रारंभ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बचे हैं कितने, दो बचे, तीन भर दिया तो दो अब युग्मन करेंगे इनका, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो ये हमने इन दोनों नियम का पालन करके परमाणुविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा है, तो उसी तरह आणविक कक्षक जो बनेगा उसमें भी दोस्तों हम इसका पालन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर H2 में देखेंगे, H2 में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, इसका परमाणुविक कक्षक इस तरह है, इसका भी एच में भी हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक दोनों एच है, तो इसका भी सेम होगा। तो इसको मिलाने के बाद इन दोनों में H2 में अगर देखेंगे जो आणविक कक्षक बनेगा वो भी दोस्तों दो बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा आबंधन बनेगा, एक हमारा दोस्तों प्रति आबंधन बनेगा। और दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, हुंड का नियम, पाउली का नियम, अबाहु नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, फिर उसके बाद एक ही बॉक्स है, यहां पर भी एक ही कक्षक है ना, इसके पास एक ही कक्षक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसी में भर देंगे। ओके, तो यहां पर हम इस प्रति आबंधन में नहीं जाएंगे, यानी प्रति आबंधन वाला कक्षक आपका खाली रहेगा बिल्कुल। और दूसरी बात हमको ये बताने चाहते हैं कि प्रति आबंधन, ये आबंधन है हमारा इस तरह हो गया, आबंधन आणविक कक्षक हो गया, और प्रति आबंधन आणविक कक्षक को इस तरह दोस्तों हम दर्शाते हैं स्टार बनाकर, यहाँ पर इस तरह स्टार बना देते हैं जिससे हमें अंतर मालूम चलता है कि हाँ स्टार जिसपे बना है वो क्या है, हमारा प्रति आबंधन आणविक कक्षक है, जिसपे स्टार नहीं होता है दोस्तों ऊपर वो हमारा कि कौन सा आणविक कक्षक होता है, वो आबंधन आणविक कक्षक होता है। दोस्तों ये पूरा हमने आपको बता दिया आणविक कक्षक सिद्धांत, अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा कैसे हम अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस नॉलेजफुल वीडियो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहां तक आ गए तो इस वाले पार्ट को मिस करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, दोस्तों तो अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सीखना ही होगा, अगर आप क्लास 11th में हो, एग्जाम आपके आ रहे हैं पास, तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ओके, हमने सीखा था कि कैसे हम लिखते थे परमाणुओं का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम अबाहु नियम के अनुसार लिखते थे, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते थे, फिर 2s में भरते थे, फिर 2p में भरते थे, फिर 3p(s) में भरते, इस तरह नियम अनुसार भरते थे। तो अणु का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना सीखना है तो उसके लिए भी आपको रूल दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे। रूल बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये छोटा सा रूल है, अगर आपको ये याद कर लिया आपने तो आप अणुओं का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। दोस्तों याद जरूर कर लिया, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन अणुओं का विन्यास लिखने से रिलेटेड, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद जरूर करना है। भले ही दोस्तों आपको कक्षक सिद्धांत याद करा दिया है दोस्तों आसानी से, लेकिन ये हम आपको याद नहीं करा सकते, इसे आपको याद करना पड़ेगा खुद, ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या दोस्तों रूल है, जब भी दोस्तों अणु में किसी अणु में 14 इलेक्ट्रॉन हो या इससे अगर कम है इलेक्ट्रॉन किसी अणु में, तो आप इस रूल का फॉलो करोगे, इलेक्ट्रॉनिक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। क्या रूल है, पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, देख रहे हैं ना यहाँ पर सिग्मा जब 1s है तो इसी में स्टार लग गया है 1s है, इसका मतलब क्या है कि स्टार लग गया तो ये क्या है दोस्तों प्रति आबंधन वाला है, और नहीं स्टार लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये आबंधन वाला है, सिंपल सी बात है। और इसी तरह दोस्तों हम 2s में भरेंगे, सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसी में स्टार लगा के सिग्मा 2s में भरेंगे, क्योंकि दो बनते हैं कक्षक, एक आबंधन होता है एक प्रति आबंधन होता है, तो अगर ये आबंधन होगा तो एक प्रति आबंधन भी बनेगा जिसमें स्टार लगा होगा, सिग्मा स्टार 2s में। ओके, फिर उसके बाद 2p में आएंगे तो 2p में तीन कक्षक मिल जाते हैं, 2p में दोस्तों हमारे तीन कक्षक आते हैं यहाँ पर, पहला 1, 2, 3, तो ये पहला वाला क्या होता है दोस्तों 2px होता है, दूसरा वाला दोस्तों हमारा 2py होता है, तीसरा वाला 2pz होता है, तो ये तीनों अलग अलग अपना बनाएंगे, इसी पाई 2px बराबर पाई 2py, ये बराबर क्यों, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग ही लगभग बराबर होती है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसमें भरोगे इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिए सब में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम, इसमें भी दो, 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 सब में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा बराबर है ना, यहाँ पर पाई 2px बराबर है पाई 2py के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो यानी कि इसमें भी दो जाएंगे अधिकतम, सही बात है, लेकिन बारीक बारीक कर इसमें पहले एक जाएंगे, फिर इसमें एक जाएंगे, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन तो इसमें दो जाएंगे, फिर इसमें दो जाएंगे, जैसे हमने आपको बताया था ना जब आपने परमाणु कक्षक पढ़ा था, जैसे कि ये देख लीजिए
यहाँ पर कोई दो परमाणु कक्षक के होता नहीं किसी का। मान लीजिए दो है, अगर आपके पास दोस्तों क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी ऊर्जा तो बराबर ही होती है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हो, फिर इसमें भरते हो, ये नहीं कि इसी में दो भर देते हो ना। जब ऊर्जा बराबर होती है तो पहले एक एक करके भरते हो। इसी तरह जब इसमें दोनों में ऊर्जा बराबर होती है तो पहले एक इसमें भरोगे, एक इसमें भरोगे, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, आबंधन कर देंगे, आप इसमें दो भरेंगे, अगर और इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अब दो भरेंगे। तो इस तरह बारी बारी कर कर भरना है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है ये 2p z वाला लेंगे, यहाँ पर सिग्मा बनाएगा ये बंद, आपको सिग्मा 2p z है। फिर इसी इसी सबको में स्टार लगा देंगे, क्योंकि एक प्रतिबंधन भी बनेगा, तो स्टार लगा के ये सभी चीजें लिख देंगे, ये आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद अणु का इलेक्ट्रॉन भी हम आपके सामने लिखेंगे, कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद सर ये तो 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है किसी अणु में, तब लिखना है। लेकिन क्या होगा सीमा पार हो जाए, अगर सीमा पार हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, तांडव होगा बीच में। जी हाँ, बीच में तांडव होगा। तांडव में क्या होगा, बीचों बीच होगा, यानी कि बाकी सभी चीजें साइड वाइड के बराबर होगी, यानी कि ये भी सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, फिर सिग्मा 2s हमारा रहेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s हमारा आ जाएगा, इसी में स्टार लग जाएगा। और बीच में तांडव होगा, यानी कि इसमें और इसमें इन दोनों बीच में आ रहे हैं, तो इनमें तांडव होगा, यानी कि ये वाला चीज क्या हो जाएगा, तांडव करते हुए यहाँ आ जाएगा, और ये वाला चीज तांडव करते हुए यहाँ आ जाएगा, यानी कि आप 2pz जब आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी पाई वाली चीजें इसके बाद आएंगी, फिर 2px बराबर 2py, यहाँ पर पाई लग दीजिए क्योंकि पाई बंद बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा ये चीजें, बाकी सभी चीजें साइड वाइड की तो सेम ही रहेगी, ये स्टार लग के बाकी सभी चीजें उतार देते हैं, तो यहाँ पर ही हमने उतार दी। दोस्तों बस इसी रूल को फॉलो करना है, आप अणुओं का विन्यास लिख सकते हो, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह के, उस सभी का लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर B2 का, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए B2 अणु है तो इसका आणविक विन्यास लिखेंगे। आणविक विन्यास का सिंपली सूत्र क्या होता है भाई, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो ये रूल, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते सीमा पार हो जाती है, तो ये रूल अपनाते हैं। क्या होता है इसमें चेंज, बीच में तांडव हो जाता है, बस इतना रहता है। ओके, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं जो बोरान होता है वो कितने नंबर पे आता है, जी हाँ दोस्तों सर 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ही हमें पता है। तो यहाँ पर B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, जब ये B में 5 है तो B2 में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस 10 इलेक्ट्रॉन है, बस इसका अणु का विन्यास लिख दीजिए। ओके, तो अणु का विन्यास का रूल क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये रूल फॉलो करेंगे। सिग्मा पहले 1s आएगा, यहाँ पर सिग्मा 1s, फिर इसी में सिग्मा स्टार लग जाएगा, फिर 1s आ जाएगा, फिर 2s वाले में बात करेंगे तो 2s में आएगा, इसी में स्टार लगा देंगे 2s वाले में, तो 2s सिग्मा स्टार आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, पाई वाली चीज आती है सर, तो यहाँ पर पाई रहता है, पी एक्स का रहता है, और एक पाई रहता है हमारा, पी वाई का रहता है, कक्षक रहता है, ये दोनों ऊर्जा बराबर होती है, इसलिए लिखते हैं। पहले आइए इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, जब ज्यादा है, पूरा नहीं ना लिखेंगे, कोई पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इसमें पहले भरते हैं। इसमें सर अधिकतम में 2 ही भरने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 भरा, इसमें 2 भरा, इसमें 2 भरा, इसमें 2 भरा, 2 × 4 × 8 ये हमने भर दिया दोस्तों, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। तो हमने आप कितने भरने, 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप 2 नहीं भरेंगे, क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है, एक एक करके भरेंगे, यानी कि पहले एक इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एक इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर, ये B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और नंबर आपको एग्जाम में फुल मिल गया। ओके, उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो हम आपको कराए, C2, C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था, C2 अणु है, कार्बन कितने नंबर पे आता है सर, 6 नंबर पे आता है, तो ये C2 यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि है कि ये तो C2 है, तो C2 में कितने होंगे, 6 × 2 सर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो यहां पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो यही फॉलो करेंगे रूल, पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर इसी में स्टार 1s आएगा, फिर 2s की बात करेंगे तो 2s लिखेंगे, फिर इसी में स्टार लगा देंगे सिग्मा 2s में, फिर सर हमारा पाई वाला आता है तो पाई 2px बराबर पाई 2py लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद 2px 2py हो गया तो 2pz आता है सर, 2pz हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये सिग्मा बनाया, तो ध्यान रखिए ये सिग्मा बनाते हैं, केवल x एवं y वाले पाई बनाते हैं। तो सर बस इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कर दे, हाँ वितरण कर देते हैं, तो यहाँ पर इसमें 2 जाएंगे सर, इसमें भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे, यानी कि 8 आपने भर दिए हैं। अब इसमें भरते हैं 8, जब आपने इसमें भर दिए तो इसमें कितने भर, तो बचे आपके कितने पास, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 8 भर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे हम। तो हम सभी जान दो दो इसमें भर ही देते हैं, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, भर दिया। ओके, ये दोस्तों हो गया हमारा C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या सर, यहाँ पर सिग्मा 2pz आपने लिखा, इसमें नहीं गए कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं गए तो इसको हटा देना यहाँ पर, ये तो हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो किसमें किसमें जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा तो उसको हटा देना इस तरह। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा इस C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तीसरा नंबर पे जो आपको कराने वाले हैं O2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब O2 में सर कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है सर, 8 नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 × 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या सर, इसमें तो 14 से ज्यादा होंगे, 14 से ज्यादा होगा कोई बात नहीं, बस बीच में तांडव हो जाएगा, बीच में तांडव हो जाएगा। ओके, बाकी सब चीज रहेंगी, यानी कि ये भी सर 1s रहेगा, यहाँ पर भी स्टार 1s रहेगा, यहाँ पर भी सब कुछ सेम रहेगा, 2s रहेगा,
सिग्मा स्टार 2S रहेगा, केवल बीच में टांड हो जाएगा, यानी कि पाई वाली वाली चीजें क्या आती हैं, बाद में आती हैं सर। यहाँ टांडव होता है तो क्या होता है सर, ये जो 2PZ होता है सिग्मा वाला, ये आगे चला जाता है और पाई वाली चीज इसके बाद आ जाती है। देखिए 2PZ आगे आ गया और ये पाई वाली जो है वो आगे चल गई। तो सर वही काम करेंगे, यहाँ पर पहले हम ले लेंगे जेड वाली चीज, यानी कि सिग्मा 2PZ हम ले लेंगे, फिर उसके बाद पाई वाली चीजें लेंगे, यानी कि अब हम पाई 2PX लेंगे, फिर बराबर पाई 2PY लेंगे। ओके सर, आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आइए एक और ले ले। इससे बाद क्या आता है सर, पाई स्टार आता है 2PX बराबर फिर पाई स्टार, इसके बाद सभी चीजें सेम होती है, वही हम लिख रहे हैं यहां पर। देखिए इसके बाद क्या आता है, पाई स्टार 2PX आता है, फिर पाई बराबर पाई स्टार 2PY होता है, ये हमने लिख दिया। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 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 दो 4, 6, 8, 10 भर दिए। अब दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे तो यहां पर भी दो आ जाएंगे, यहां पर भी दो आ जाएंगे, कितने भर दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन भर दें, लेकिन हमें 16 भरने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। ये सिग्मा पाई स्टार 2PX बराबर पाई स्टार 2PY, ये देखिए दोनों ऊर्जा क्या है, दोनों की ऊर्जा बराबर है, तो इसलिए आप इसमें जब ऊर्जा बराबर जाती है तो एक एक करके भरते, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं हमें, तभी जाके पूरा 16 होगा। तो एक पहले इसमें भरेंगे, एक पहले इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म। तो ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। बच्चे ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, इसमें दो भर देते हैं और इतना करने के बाद उनका आंसर गलत हो जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल सही करना है, क्योंकि आप पढ़ो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शस्त्र से। तो बस दोस्तों इसी रूल को फॉलो करते हुए आप N2 का लिख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो दोस्तों, Fe2 का लिख सकते हो दोस्तों, आप लिख सकते हो दोस्तों कई सारे अणुओं का दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो ये रूल फॉलो करोगे, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो ये रूल फॉलो कर दोगे, और इससे धड़ाधड़ आप लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों ये हमने आपको पढ़ा दिया दोस्तों आणविक कक्षक सिद्धांत, बिल्कुल ट्रिक से आपको याद करा दिया है, लॉजिक से, और बाकी ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अगर अणुओं का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो को आपका एंड, आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेहनत के लिए लाइक जरूर करेगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्लास 11 से फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस यूजफुल आते रहते हैं, और फिजिक्स का तो पूरा चैप्टर हम कवर करा रहे हैं। अभी चैप्टर नंबर आपका चल रहा है 5 घर्षण बल। ओके, अब घर्षण बल का जो न्यूमेरिकल है वो हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घर्षण बल के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो दोस्तों हम मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए, और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें।